महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। बस और आयशर ट्रक के बीच टक्कर से बस के अगले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते 20 मिनट में बस धू धू होकर जल गई। हादसे में बस से सवार 11 लोग जिंदा जल गए। इनके अलावा 38 यात्री जख्मी हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मरने वालों की आंकड़ा बढ़ सकता है। ज्यादातर लोग ने बस से कूदकर जान बचाई। हादसा नासिक औरंगाबाद रूट में नंदरू नाका के पास हुआ। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। चिंतामणि ट्रेलर्स की बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि घायलों का इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। हादसा शनिवार सुबह 4:30 बजे हुआ। दुर्घटना के वक्त कोई भी प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरों को जो समक्ष मिले उसने लगता है कि ट्रक की डीजल की बस में आग लगी। दरअसल हादसे के बाद बस और ट्रक के बीच की दूरी 50 मीटर थी। जोरदार टक्कर के बाद ट्रक के डीजल टैंक के ब्लास्ट हुआ था। इसलिए माना जा रहा है कि डीजल टैंकर के ब्लास्ट होने के बाद इसमें निकाला डीजल बस पर गया और बस में आग लग गई। दोनों के बीच 90 डिग्री में टक्कर हुई है। हालांकि दुर्घटना कैसे हुई इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हादसे में मारे गए लोगों के शवों को बहुत खराब तरीके से हॉस्पिटल ले जाया गया। एक बस में एक से ऊपर एक डालकर रखा गया। जलने की वजह से इनमें से कुछ लोगों का पहचान नहीं हो सकी। पूजा चौहान जी ने बताया अपने दो बच्चों के साथ इस बस यात्रा कर रही थी। उन्होंने बताया कि हम सो रहे थे तभी अचानक लोगों का शोर सुनाई दिया। बस के अगले हिस्से में आग नजर आई। इसके बाद हमने खिड़की से अपने दोनों बच्चों के साथ छलांग लगा दी। इसमें उनका हाथ झुलस गया। हालांकि इस कोशिश से मेरे दोनों बच्चे सेफ हैं। हमें दूसरा जीवन मिला है। अगर कुछ देर हो जाती तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। अनीता सुखदेव चौधरी ने बताया कि टक्कर के बाद मैं सीट के नीचे गिर पड़ी। मेरी नींद खुली तो देखा कि बस के अगले हिस्से में आग के लपटे दिख रही है। मुझे लगा कि भीषण टक्कर हुई। मैंने खिड़की से कूदकर जान बचाई। 20 मिनट बाद दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची। अनीता वमिशिम जिले के लोनी की रहने वाली है। यवतमाल के पिराजी सुभाष धोत्रे ने बताया, मैं अपने चाचा चाची के साथ कल्याण जा रहा था। सभी लोग सोए हुए थे। आग से चाची जी काफी झुलस गए। हालांकि समय पर खिड़की से कूदने के कारण हम तीनों की जान बच गई। सबसे ज्यादा जनहानि बस के अगले हिस्से में हुई। सुबह का समय होने के कारण ज्यादातर यात्री सो रहे थे, इसलिए उन्हें भागने का मौका नहीं मिल सका। मरने वालों की बस का ड्राइवर और कुछ बच्चे भी शामिल है। ये बस और ट्रक था, ट्रेलर बड़ा वाला, उनके बीच में एक्सीडेंट हो गया है। इम्पैक्ट के कारण आग लग गई और वो आग में अब तक जो काउंट है उसमें से 11 कैजुअलिटीज है।